नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं दिन भर की खास खबरों की तरफ। राहुल के तेज तर्रार रवैये के चलते भाजपा ने अपनी कमर कस ली है। वहीं इसके चलते अमित शाह कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहते। इधर चुनाव का आगाज होते ही अमित शाह ने अपनी रैलियों को और तेज कर दिया है। वहीं कल उनकी रैली शिवपुरी, गुना एवं ग्वालियर में होंगी। इसी के चलते कयास लगाए जा रहे थे कि शायद अमित शाह इस बार सिंधिया का गढ़ यानी गुना को तोड़ पाएंगे। इतिहास गवाह है कि सिंधिया को केवल सिंधिया घराना ही तोड़ पाया है, चाहे वह राजमाता सिंधिया हो या माधवराव सिंधिया या फिर उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया। अमित शाह के आने की तैयारियों को लेकर जहां आचार संहिता का उल्लंघन खुलकर किया जा रहा है, वहीं पूरे शहर में बैनरों और पोस्टरों से भर दिया गया है। पूर्व मंत्री के अनुसार अमित शाह के ऐतिहासिक स्वागत और रोड शो गुना में किया जाना है। वहीं बैनर और पोस्टरों की बात करें तो इसे भी एक तरह की लड़ाई ही कही जाएगी, जो इन दोनों सड़कों पर दिखाई दे रही है। नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा के बैनर हैं और वहीं कन्हैया लाल अग्रवाल। इन दोनों के लड़ाई के बारे में भारतीय जनता पार्टी के परिवार के साथ पूरा गुना भी गवाह है। अब देखने लायक होगा कि अमित शाह के आगे शक्ति प्रदर्शन करने में कौन सार्थक सिद्ध होता है। नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा जो बमौरी से दावा करने वाले हैं, वह बाजी मारते हैं या फिर केएल अग्रवाल। अब देखते हैं अमित शाह का सपोर्ट किसको मिलेगा। अंजाम चाहे जो भी हो, पर सभी धुरंधर अमित शाह को खुश करने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। ग्राम झागर के डोंगा मोहल्ला जाने वाले रास्ते पर पुलिया न बनी होने का कारण पूरा बस्ती का पानी उसी रास्ते में भर जाता है, इससे वहां पर हमेशा गंदगी बनी रहती है। वहीं डोंगा मोहल्ला में लगने वाली है झांकी, समिति द्वारा साफ सफाई कराई गई एवं साफ सफाई कराने के बाद वहां पर कोपरा भी भिजवाया गया, जिससे कि वहां पर पानी न भरे। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हमने इसकी शिकायत कई बार प्रशासन से की है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। स्थानीय विधायक द्वारा एक वर्ष पूर्व पुलिया का शिलान्यास भी किया गया था, लेकिन वह आज तक नहीं बनी। यहाँ पे झांकी समिति के ये कीचड़ मच रहा है ना, ये लड़के पैसे उगा उगा के कीचड़ साफ करा रहा है। सरपंच कुछ भी नहीं करा रहा, उससे बोला था दो ट्राली यहाँ वो पटकवा दे मरम, वो भी नहीं पटकवाई। वहाँ पटकवा रहा है, यहाँ कष्ट हो रहा है उसको पटकवाने में। कहाँ पे लोग परेशानी से जूझ रहे हैं, वो कीचड़ साफ नहीं करा सकता। यहाँ कौन सी जगह पे? ये डोंगस नदी का ये रास्ता जा रहा है, ये अंदर जा रहा है, बस्ती की ओर जा रहा है अंदर। डोंगस डोंगा है ना, ये बस्ती इस पे जा रहा है अंदर। ये टीचर साफ नहीं करा रहा है, ये नए लड़के ये पैसे इकट्ठे कर ये टीचर साफ करा रहा है। अच्छा, तो सरकार कुछ भी मदद नहीं कर रही है इसकी। आपने सरपंच से बोला था, क्या बोले? मैंने सरपंच से फोन लगा कर बोला था, अभी सभी लड़कों ने बोला था, फोन लगाया था यहाँ पे। फिर क्या बोले? वो बोले कि मैं कोपरा ही नहीं पटकवा रहा यहाँ पे, तो लड़के ये पैसे उगा के इसको पत्थर पर के लाए, ये पत्थर पड़े हैं यहाँ पे, ये पटकेंगे अभी, इसको साफ कराया इसको कड़ाई से। तो ये परेशानी कब से है आप लोगों? एक परेशानी 2-3 साल से आ रही है। अच्छा, ऐसी क्यों हो रही है ये परेशानी? यहाँ पे कीचड़ जमा हो रहा है, इस कारण हो रही है। बक्सोदनगढ़ सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। डैम का गेट टूटा होने के कारण डैम आधे से ज्यादा हुआ खाली। दरअसल मामला है मकसूदनगढ़ के गोविंदपुरा डैम का, जिसका गेट टूटा होने के कारण पानी निकलता जा रहा है। हालत ये है कि गोविंदपुरा डैम आधे से ज्यादा खाली हो चुका है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह सिलसिला कई वर्षों से चल रहा है। किसानों को बस गोविंदपुरा डैम के पानी अपनी जमीन सिंचाई के लिए एक ही बार मिल पाता है, बाकी बचा हुआ सारा पानी डैम का गेट टूटा होने के कारण नालों में बहकर निकल जाता है। इस संबंध में गोविंदपुरा डैम के चौकीदार ने बताया कि गोविंदपुरा डैम का गेट कई वर्षों से टूटा हुआ है, जिसके कारण डैम का पानी गेट से बाहर निकल जाता है।
रहा है। इस मामले में हैरान करने वाली बात यह है कि सिंचाई विभाग ने अभी तक गोविंदपुरा बांध के गेट को अभी तक नहीं सुधरवाया। अपनी लापरवाही छुपाने के लिए सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने डैम से निकलने वाले पानी को नाले की ओर मोड़ दिया, जिससे कि लोगों को यह बात पता नहीं चले कि डैम का गेट टूटा हुआ है और इससे पानी निकल रहा है। ये तो बगड़ गया गेट, उसका सब साधन बगड़ गया है। तो क्या गेट में से पानी निकल रहा है? गेट में से कब से निकल रहा है? कितना टाइम हो गया? ये तो बहुत साल हो गए हम आते चल रहे हैं। तो सारा पानी फालतू निकल जाता है? निकल जाएगा बगड़ गया तो गेट में से। कोई अधिकारी वगैरह ने कोई ने सुनवाई करी? अरे ये अधिकारी कोई सुनवाई नहीं की। ये साहब हुआ गेट खराब हो गया। अच्छा गेट खराब हो रहा है? हाँ। तो कोई सुधारने वगैरह आया कि नहीं? कोई अधिकारी कर्मचारी आवे? कर्मचारी हाँ आप सुधरा देंगे, साल का आवे साहब कहीं नहीं सुधरा। अच्छा क्या इसी कारण ये डैम खाली होता जा रहा है? हाँ। बारिश में भरा तो गया था ना ये पूरा? भरा गया खूब। तो गेट में गेट टूटा हुआ है इस कारण खाली हो रहा है? अभी पानी निकल रहा है उसमें से? अबे चलो ना आप बता। अच्छा अच्छा नहीं देख लो नहीं। अब कहाँ जाए फालतू ये को, अब खेता में पानी है। साबिक नहीं सुनता है क्योंकि हमारी पूरी फसल ही गड़ गई, अब हमें कौन कर दिए को खाली? कैसे खाली होता है ये पूछ रहा हूँ। अभी उसका गेट खराब है जो सब लोग देखते ही नहीं है। तो क्या पानी गेट टूटे गेट में से निकल जाता है? हाँ टूटे गेट में से निकलता है पानी। अच्छा हमेशा ही? हमेशा ही। तो अभी क्या ये पानी पूरा नालों वगैरह में जा रहा है कि खेतों में घुस रहा है? नहीं खेतों में भी घुस रहा है, नाले में भी जा रहा था। तो कहीं कोई आपकी सुनवाई हुई किसी गांव वाले की समस्या समाधान हुआ इस संबंध में? सुनवाई कर रहे साहब, देखने वगैरह आते हैं अधिकारी? कोई नहीं आवे ना। तो गेट अभी भी टूटा हुआ है? हाँ अभी भी टूटा हुआ है। अभी कितना पानी हो रहा है डैम में लगभग? अबे तो है उस नुवा में एक पानी निकल सकता है। अच्छा और बाकी का पानी क्या टूटे गेट में से निकला? हाँ। और क्या समस्या आती है? और कुछ नहीं है, गेट में और पानी निकलता है और कुछ नहीं। अच्छा और ये हमारी खेती तो हम मेरे एक एक फसल लेते हैं, एक जाती है एक बरसात की या गेट के हिसाब से। बाकी डैम का पानी पूरा गेट में से निकल जाता है? हाँ पूरा गेट में से। बीनागंज नगर में बड़े ही धूमधाम से निकाली गई श्री राम जी की बारात। स्थानीय कलाकारों द्वारा निरंतर 137 वर्षों से ये रामलीला का मंचन बहुत ही भव्यपूर्ण तरीके से किया जाता है। इसे देखने के लिए आसपास के देहात से बड़ी संख्या में भक्तजन आते हैं। मालवा क्षेत्र में यहाँ की रामलीला बहुत ही प्रसिद्ध है। आज राम विवाह के मंचन से पहले नगर में श्री राम जी की बारात निकाली गई, जिसका नगरवासियों ने जगह जगह स्वागत कर राम जी की आरती उतारी। रामलीला कमेटी के संरक्षक विधायक ममता मीना ने राम जी की बारात में सम्मिलित हो माता जानकी की पैर पुजाई की रस्म अदा की। इस आयोजन में कार्यकारी अध्यक्ष ठाकुर प्रबल प्रताप सिंह, राजेश गर्ग, दिनेश भार्गव सहित सभी नगरवासी उपस्थित रहे। Thank you.
भाई साहब इधर देखना थोड़ा। हाँ हाँ बढ़िया चल ले दो। बीनागंज से हमारे सहयोगी आर के शर्मा की रिपोर्ट। कैंट पुलिस को मिली बड़ी सफलता, शुभम साहू मर्डर केस के आरोपियों को पकड़ा। आपको बता दें कि शुभम साहू 30 तारीख को घर से बाजार की कहकर निकला था, लेकिन वह वापस घर नहीं पहुंचा। जिसके बाद घर वालों ने उसकी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। इसके बाद परिजनों ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 363 में मामला दर्ज किया, जिसके बाद सिंध नदी में उसका शव बोरे में मिला। वहीं शव के हाथ पैर भी बंधे हुए थे। पुलिस ने इस केस में धारा 364, 302 एवं 201 की धाराएं बढ़ा दी और आरोपियों की तलाश तेज कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने पूछताछ में महेश शर्मा और दीपू उर्फ गुड्डा से सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों ने अपना अपराध कबूल कर लिया। आज एसपी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर आरोपियों को मीडिया के सामने लाया गया। वहाँ पर बॉडी मिली थी और प्रथम दृष्टा इसमें मर्डर का केस था और इसमें कैंट पुलिस ने इसमें तफ्तीश करी और इसमें ये पाया गया है कि दो व्यक्ति, एक का नाम महेश शर्मा है और दूसरे का नाम दीपू भुट्टा अहिरवार है, इन दोनों ने जो है उस बच्चे को उसको अपने साथ लेकर गए और केदारनाथ के जो जंगल हैं उस रास्ते में उन्होंने जो है दारू के नशे में उसकी गला दबा के हत्या करी और फिर उसकी बॉडी को जो है सिंध नदी में जाके वहाँ पे बोरे के में लपेट के उसको फेंक दिया। हत्या का कारण क्या है? हत्या का कारण इसमें निकल के आया है कि जो महेश शर्मा है वो उससे शुभम साहू ने कुछ उसका कहना ऐसा है कि उसने कुछ पैसे ले रखे थे और वो वापसी उससे मांग रहा था तो वो नहीं कर रहा था। इसके अलावा महेश शर्मा वीडियो बनाने का काम करता है, छोटी मोटी वीडियो फिल्म डायरेक्ट करता है, तो वो मृतक से अपनी जो फिल्म्स हैं छोटी वीडियो फिल्म्स हैं उसमें चाह रहा था कि वो उसमें पैसा लगाए। तकरीबन 1,00,000 रुपए की ऐसी बात आई है कि वो मांग कर रहा था कि जिससे कि वो आगे अपने फिल्मों में उसका लगाए और फिर वो उसको पैसों को जो है अपने फिल्मों को बनाने के बाद उसको वापस करता था। कौन सी फिल्म बना रहे? ये अलग अलग फिल्में शॉर्ट वीडियो फिल्म बना के यूट्यूब पर डालते रहते हैं और उसी के चलते जो है ये अभी जो पूछताछ में निकल के आया है। अभी कुछ दिन पहले ये बचाव पे कोई एक वीडियो फिल्म बनाने का जो है इनकी कोशिश चल रही थी और हत्या से एक दिन पहले इनकी मीटिंग हुई थी और उसमें जिस तरीके से उसमें वीडियो की बात चल रही थी भविष्य में वो वीडियो बनाने वाले थे और उसी के संबंध में पैसों का भी प्रबंध करना चाह रहे थे जो कि आरोपी चाह रहे थे कि मृतक उनका प्रबंध करे पैसों का। कितने आरोपी हैं सर इसमें? इसमें दो आरोपी। सर कहाँ ले जाके हत्या की है? ये केदारनाथ और उमरी के बीच में जो है इन लोगों ने ये घटना कैसे की है? गला दबाकर हत्या कर दी गई है और उसके बाद जो है लाश को जो है गायत्री परिवार द्वारा वृद्धाश्रम में किया गया पिंडदान का आयोजन। गायत्री परिवार द्वारा आज वृद्धाश्रम में पितरों के पिंडदान का कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर गायत्री परिवार व आश्रम के वृद्धजन मौजूद रहे। जिंदगी कितनी है, जैसे नदी में जब बरसात में बाढ़ आती है ना, तो नदी में जो है गंदे पानी में बबूले उठते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे मनुष्य की जिंदगी है, ठिकाना नहीं है किसी का, कब को किसको क्या हो जाए, है ना। तो आप बिल्कुल स्टेशन पहुंचने वाली है, ठीक है ना, इसलिए आप लोग भगवान के
चरणों में अपनी योनी भी, जो भी योनी मिलेगी आपको भगवान जो है अच्छी अच्छे जगह रखे, ठीक है ना। ये जरूर करते, छोड़ना नहीं कहे आज के बाद। गायत्री परिवार शांतिगुंज हरिद्वार के तत्वधान में आज गायत्री शक्तिपीठ एवं युवा प्रकोष्ठ दिया संगठन के माध्यम से वृद्ध आश्रम में यह कार्यक्रम पितरों को पिंडदान कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें यहां पर जो 35 भाई और बहनें हैं उनके माध्यम से पितरों को आज पिंडदान किया जा रहा है और उनके जो उनके पितर हैं उनकी आत्म शांति के लिए यह गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। गुना पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, कलम हिस्सा के दौरे को देखते हुए आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष गुना आए। यहां उन्होंने कल के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही भाजपा के कार्यकर्ताओं की बैठक भी बुलाई। भी आप सबको ज्ञात है गुना का प्रमुख मार्ग वो है, उसका चप्पा चप्पा भाजपा मय कैसे हो ये पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके लिए पूरी एक रचना पार्टी ने तय की है। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि हम व्यक्तिगत मान सम्मान प्रतिष्ठा भूलकर पार्टी के मान सम्मान प्रतिष्ठा की चिंता करें, तो उसके लिए उस रचना के साथ हमें समन्वय भी करना पड़ेगा, उसको सहयोग भी करना पड़ेगा, जिसके जिनमें जो काम है वही सबसे महत्वपूर्ण काम है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पूर्व के जो प्रवास हो रहे हैं उसी क्रम में कल ग्वालियर चंबल संभाग का उनका दौरा है। कल वे सबसे पहले ग्वालियर आएंगे, ग्वालियर के बाद फिर शिवपुरी, शिवपुरी में भारतीय जनता पार्टी का ग्वालियर चंबल संभाग का कार्यकर्ता सम्मेलन होगा जिसको वे संबोधित करेंगे। उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी होंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन के पूर्व वे महान शहीद योद्धा तात्या टोपे जी की समाधि स्थल पर जाकर पुष्पांजलि करेंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन के पश्चात वे गुना आएंगे। गुना में पार्टी ने कल उनका रोड शो तय किया है और हनुमान चौराहे से उनका ये रोड शो प्रारंभ होगा। इस रोड शो में उनके साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे प्रमुख कार्यकर्तागण, प्रदेश के प्रभारी माननीय विनय सहस्रबुद्धे जी सहित पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी यहां पर होगा। और जिस तरह से आज मैं तैयारियां देख रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भीतर मैं उत्साह देख रहा हूं, उसे मुझे लगता है कि कल एक ऐतिहासिक रोड शो गुना की इस पवित्र धरती पर होने जा रहा है। इस रोड शो के माध्यम से गुना की जनता भी भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी और इस रोड शो के पश्चात यहां से ग्वालियर प्रस्थान करेंगे। वहां युवा सम्मेलन का कार्यक्रम है, उसमें युवाओं को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का उद्बोधन मिलेगा। वहां रानी लक्ष्मीबाई और पूज्य राजमाता जी के समाधि स्थल पर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाएंगे और इस तरह से कल का पूरा दिन उनका ग्वालियर चंबल संभाग के क्षेत्र के लिए समर्पित। बड़ा काल्पनिक सा सवाल है, घोषणा इसकी हो चुकी है जी। एक तरफ भाजपा नेता के स्वागत की तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ सर्व समाज का विरोध के स्वरूप बंद का आह्वान किया गया है। मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई अंतर या भेद दिखाई देगा। पिछले दिनों भी उनके कार्यक्रम हुए हैं और प्रदेश में सभी समाज के लोगों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का स्वागत किया। अध्यक्ष जी, पिछले चुनाव की अपेक्षा क्या इस चुनाव में आप कांग्रेस से आपकी टक्कर देखते हैं? स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश में दो ही दल आमने सामने होते हैं, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि इस बार किए गए कार्यों के आधार पर, केंद्र में
माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार और मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व वाली सरकार, इन दोनों ही सरकारों के किए गए कार्यों के आधार पर, विकास कार्यों के आधार पर, गरीबों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए किए गए कार्यों के आधार पर पहले से भी अधिक सीटें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होने जैसे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कितना रहेगा? मैंने बताया कि पहले से भी अधिक सीटें हम जीतने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा विस्तार से जानकारियां लेंगे तो ऐतिहासिक कार्यक्रम उनके संपन्न हुए हैं। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस कोशिश करती है। उदाहरण के लिए इंदौर में कार्यक्रम था तो कार्यक्रम प्रारंभ होने के पहले की कुर्सियों की फोटो खींच के सोशल मीडिया पे उन्होंने डाले। कांग्रेस इस तरह के हथकंडे कल भी अपनाएगी। ट्रैफिक पुलिस द्वारा हाट रोड पर दुकानों और ठेले वालों को दी गई समझाइश, साथ ही चालान भी बनाए गए। आज ट्रैफिक पुलिस द्वारा हाट रोड पर दुकानदारों एवं बाहर खड़े ठेले वालों को समझाइश दी गई, साथ ही चालानी कार्रवाई भी की गई। वहीं देखने को आता है कि पुलिस मुहिम तो चलाती है लेकिन उसका असर देखने को नहीं मिलता। अब देखना होगा कि इस मुहिम का कितना असर होता है। हाँ, अभी दो दुकानों पर कार्रवाई की है हमने और बीच से बहुत सारे ठेले और सामान भी हटवा दिया है। डीजीएनए न्यूज में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।